Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. आज का जो इंट्रो है वो हो रहा है सबवे में, तो इसलिए क्योंकि सुबह मैंने जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं की थी सही टाइम, और अभी जो है वो टाइम हो रहा है तकरीबन एक का, दोपहर का एक बज रहा है और आज है वीकेंड लाइक संडे, और आज जो है वो हम लोग की माशाल्लाह की प्रैक्टिस भी है, तो मैं अभी जो है वो यहीं पर जा रही हूँ। यहाँ से हम लोग सबवे लेंगे, यहाँ से सबसे पहले एज यूजल मुँह का मेरा हाल बेड़ा गर्क हुआ है, सो इग्नोर प्लीज़, माथे पे तारे चमक रहे हैं, गालों पर चमक रहे हैं, पहले से आराम है, चलता है बड़े बड़े शहरों में। यहाँ से हम जो अपना बैग चेक करवाएंगे, भाई का तो बैग बड़ा स्टाइलिश है यार। हमारा बैग आ गया, अभी मैंने ले लिया और अभी जो है मैं जा रही हूँ डाउन, वहाँ से हम लोगों ने ले ली है ट्रेन अपनी और फिर चलते हैं। ऐसे इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन मे भी सबवे, मेरा सबवे आगे भी नहीं जल्दी 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 जल्दी, सबवे में तो ज़्यादा रश नहीं है, पहले से कम है आज। ऐसा हुआ अभी फ्रैंक, मैंने जो है वो जाना था दूसरी साइड पे, गलती से दूसरी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन वाली ट्रेन में बैठ गई, आए शुक्र है अगले स्टेशन पे रेडी है, तो अभी जो है मैं अब दोबारा से दूसरी उसकी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन है वहाँ पर जाऊँगी, बैठी थी वहाँ से निकल के अब इस वाली में बैठ रही हूँ। शुक्र है पता चल गया मुझे, ज़्यादा स्टेशन ही आगे चली गई। यहाँ पे सब में ये बहुत इश्यूज होते हैं कि आपको अलर्ट रहना पड़ता है, अदरवाइज आपका स्टेशन जो है वो हैंकी पैंकी हो सकता है, तो इसलिए जो है ना आपको आंखें दिमाग जुबान हर चीज़ खोल के बैठना पड़ता है। यहाँ पे हमको सिखा दिया है, जैसे मेरे साथ हुआ है कि मैं गलती, हालांकि हमारा मतलब डेली का आना जाना हुआ पड़ा है, बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे, फिर भी देखो मैं गलती ट्रेन में बैठ गया, कोई नहीं चलता है बड़े बड़े शहरों में। सबवे कितना क्लीन है, नीट है और क्लीन है, अच्छा चलो जो है वो पूरा सिटी का मैप है सबवे का, मतलब कौन सी लाइन कहाँ पे जा रही है, आपने किस स्टेशन पे जाना है, हमने जाना है लाइन 12 पे, लाइन 12 मेरी आ चुकी है फाइनली, खुल जा सिम सिम। इससे पहले जो ट्रांसफर लाइन की ट्रेन थी वो चली गई है, तो अब हम वेट कर रहे हैं ट्रांसफर लाइन का, लॉन्ग ड्राइव से फिर हमने करना है ट्रांसफर लाइन 12 पे। वार्म कटी हुई है, आज वीकेंड है ना तो इस वजह से भी लोग इधर उधर जा रहे हैं, कुछ घरों को वापस, घरों से वापस काम की तरफ वापस जा रहे हैं, कुछ जो है वो कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं। ट्रेन हमारे सब आ गया है, वहाँ बैठे फैमिली सेंस आ रहा है। लाइन हमेशा खालम खाली रहती है, न्यू बनी है कितनी साफ सुथरी है, इस साइड का भी यहाँ से ऊपर जाके लाइन वन पे चले जाना होता है। इस पे सिर्फ दो हैं इसके स्टेशन है जहाँ पे अभी है हम लोग, हमने एंड वाले पे जाना है लॉन्ग जीरो डोंग। दिस इज मी, मैं आउट आई, ठंड हो गया ना, बारिश हुई है कल की वजह से, जैकेट शैकेट पहन लिया, अदरवाइज अच्छा खासा मौसम नॉर्मल हो गया था। 8 जो है वो इन्होंने लगाया हुआ है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी को यकदम कोई भी हार्ट अटैक वगैरह आता है ना, तो यहाँ से आप जो है उसको निकाल के तो उसको ये जो है ना वो आर्टिफिशियली बीट वगैरह दे सकते हैं, स्टेशन पर लगा होता है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी में, और हल्की हल्की जो है ना पानी में नमी की जैसे कि वो फुहार सी हो रही है बारिश की। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 2 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, बस 2-3 मिनट रह गए हैं 2 बजने में, फिर भी लेट हो गया, हालांकि टाइम से पहले मैं निकली थी, फिर भी वो गलत ट्रेन ले ली ना, उस वजह से थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया ना 5 मिनट का, इट्स ओके, देर आए दुरुस्त आए। बात सर ये है कि बच्चे का एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था मेरे से कि वो जो है वो करना चाह रहे हैं अप्लाई फॉर बैचलर्स डिग्रीज, तो कुछ शेंटोंग यूनिवर्सिटी है तो उसमें उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो पहली बात तो ये है कि मुझे बैचलर्स का ना इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, लाइक बैचलर डिग्री में आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और सारा कुछ, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं मिली हूँ वो बैचलर डिग्री कर रहे हैं,
ठीक है। तो बैचलर डिग्रीज की जो स्टाइपेंड होता है ना वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, लाइक 500 RMB होता है शायद, या 700-800 RMB होता है, बस इतना सा होता है। और दूसरा ये कि जो स्कॉलरशिप्स होती हैं बहुत कम होती हैं उसमें, अगर स्कॉलरशिप होती भी ना तो वो फुली जो फंडेड होती है वो नहीं होती। उसमें होता है कि आपको जो फी ट्यूशन, आपकी ट्यूशन फ़ी होती है वो आपकी माफ़ होती है, या फिर जो है वो आपको यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ ट्यूशन फ़ी जो है ना वो आपको माफ़ कर देती हैं, और बाकी जो आपका लिविंग एक्सपेंसेस होती हैं और सारा कुछ होता है वो आपने सारा कुछ खुद से करना होता है, और आपको स्टाइपेंड भी बहुत कम दिया जाता है। और कुछ यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल देती नहीं है, वो सिर्फ यह क्या करती हैं कि आपको सिर्फ ट्यूशन फ़ी आपकी माफ़ कर देती हैं, बाकी कहते हैं कि आप अपना खर्चा सारा खुद से करें। और जो है मेरे फेलोज़ वगैरह हैं, उनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं बैचलर में, तो उनसे मैं बाकी की पूछ के जो गाइडलाइंस हैं वो आपको दे दूँगी। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं खुद को फिर आप आ जाए, वेल एंड गुड। लेकिन जहाँ पे चाइना में, ये बात जो है ना अपने जहन में लाजमी रखें, ये बात जो है ना अपने जहन में लाजमी रखें कि यहाँ पर जो है वो आप जॉब नहीं कर सकते। लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो आप वहाँ पर जॉब कर सकते होते हैं, साथ साथ स्टडी भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो आप स्टूडेंट वीज़ा पे जॉब नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा जो है वो जॉब करता हुआ पकड़ा जाता है ना, तो उसका वीज़ा भी जो है वो सारा ख़त्म, उसका जो डिग्री होती है वो भी ख़त्म, और जो है वो परमानेंटली बैन हो जाता है चाइना पे स्टूडेंट वीज़ा के लिए। लाइक अगर वो नेक्स्ट टाइम अगर आएगा भी ना तो आएगा वर्क वीज़ा वगैरह पे, या दूसरे जो वीज़ा होते हैं उस पे आएगा, वो इस पे नहीं आ सकता, स्टूडेंट वीज़ा पर नहीं आ सकता। तो बताने का मकसद सारा ये है कि अगर आप आना चाह रहे हैं चाइना में तो सोच समझ के आएँ। यहाँ पर जो स्टाइपेंड होते हैं वो अगर आपके पास मिल रहा, आपको मिल रहा है तो फिर वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ जो है ना यहाँ पर आकर आप सिर्फ आपको ट्यूशन फ़ी आपकी माफ़ है और बाकी सारा कुछ आपको खर्चा खुद से करना है, तो आई थिंक ये इट्स नॉट अ गुड चॉइस फॉर यू। तो इसलिए आप ट्राई करें कि फिर किसी और यूनिवर्सिटी में या फिर किसी और कंट्री में जो है वो अप्लाई करें, वो आपके लिए अच्छा होता है। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे ख्याल है कि आप लोगों को देना जो है ना वो ज़्यादा बेहतर था। ये जो रिलीजन वाली थी बात वो मैंने डिस्कस कर दी थी ऑलरेडी। इसके अलावा जो है वो किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मैं अगेन एक बात की जो है ना कन्फ्यूजन है काफ़ी लोगों को कि लाइक उनका 7th semester चल रहा है या फिर जो उनका 8th semester चल रहा है, लाइक लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई अभी, तो वो कह रहे हैं कि वो हम लोग अप्लाई करें या ना करें, अगर करें भी तो किसकी बेस पे करें। लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि आपका लाइक 8th semester चल रहा है जो कि आखिरी सेमेस्टर होता है BSc का, तो आप ट्राई करें कि आप अपनी DMC वगैरह जो है ना 7th semester की वो वहाँ तक निकलवा लें, ठीक है, और साथ ही अपना होप सर्टिफिकेट बनवा लें। होप सर्टिफिकेट जो होता है ना वो आपकी आपका ट्विटर होता है, आपको लाइक मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, हम लोगों को BSc में जो है ना ट्विटर जो है ना वो असाइन हुए हुए थे, तो हम लोगों का हर बच्चे का अपना ट्विटर होता था, तो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखी थी होप सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, कि मुझे होप सर्टिफिकेट चाहिए, मेरी डिग्री ये है, मेरा AG मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये फ़लाँ फ़लाँ है, तो मुझे होप सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और फिर हम लोग वो जो अपनी एप्लीकेशन थी वो लेके गए थे अपने ट्विटर के पास, ट्विटर ने इसके ऊपर स्टैंप और साइन वगैरह किए थे, फिर वही एप्लीकेशन जो है वो हम लेके गए थे अपने डीन के पास। तो फिर डीन के पास हम लोग लेके गए थे, तो डीन जो थे उसकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं, तब तो नहीं थी, अब का मुझे नहीं पता। तो फिर डीन ने उसके ऊपर जो है वो स्टैंप वगैरह, मतलब डीन के पास आपने जो है ना वो जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करवा देनी होती है। डीन का अगर दिल करे तो उसी टाइम जो है वो आपको होप सर्टिफिकेट या बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है उसी टाइम आपको बना के दे देगा। उसका दिल नहीं करता मतलब वो लेजी है जैसे कि होता है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो जो है वो आपको 2 से 3 दिन बाद या हफ्ते बाद भी जो है वो बना के दे सकता है। तो इस तरह से इजीली होप सर्टिफिकेट जो है वो बन जाता होता है। जब तक आपकी डिग्री नहीं आती, आपकी DMC कंप्लीट नहीं होती, तब तक वो जो आपका होप सर्टिफिकेट होता है वही आपकी डिग्री को जो है वो शो करवा रहा होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है आपकी डिग्री का, ठीक है। तो ये सारा सोल्यूशन है। तो अगर आप 8th semester में हैं अभी, तो आपको चाहिए कि आप अभी से अप्लाई वगैरह जो है करना शुरू कर दें, क्योंकि CSE की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ की डेट्स गुजर भी चुकी हैं, और कुछ की अभी जो है वो हो रही हैं, ओपन हो रही हैं, कुछ की अप्रैल में एंड होंगी और किसी की जो है वो मई में एंड होंगी। तो देख लें आप अपने सब्जेक्ट के लिहाज से, अगर किसी की कोई डेट जो है वो रहती है तो आप अप्लाई कर लें तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ फिर अगला साल तो है ही नहीं। ये सारी थी जी इन्फॉर्मेशन, लिटल इन्फॉर्मेशन, तो होप सो आपको समझ तो आ गया होगा। अब जो है ना मैं भी भागम जा रही हूँ अपना उसकी तरफ प्रैक्टिस के लिए, और मुझे अपने सीनियर्स मिल गए। कितना
ना मस्जिद का जो है ना वो पाथवे बना हुआ है सारे ये साइडों पे, इधर भी फूल है इधर भी फूल हुए हैं। स्प्रिंग जो है ना वो वाकई बहुत प्यारा होता है इस साइड में, चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, या ठंडे इलाकों वाली साइड में। तो ये इतना प्यारे प्यारे वाइट कलर के फूल निकले हुए हैं। वो कपल भी खड़ा हुआ है, वाओ इधर खड़ा कर। ये वाला जो साइड है ना ये हाइकिंग वाली है, इस पर हाइकिंग करके आप सारा ऊपर से घूम के आ सकते हैं। वो सामने पर्पल कलर के फूल भी निकले हुए हैं, ग्राउंड भी आ चुका है। वाओ आज तो वाह, चिड़िया वगैरह भी निकली हुई, वरना यहाँ पे चाइना में तो कुछ चिड़िया ना परिंदे कुछ भी नज़र नहीं आता। फाख्ता भी है वाओ। सामने जो है वो इनकी स्काउट की जो है वो ट्रेनिंग वगैरह भी हो रही है, लड़कियाँ भी है लड़के भी हैं, अच्छी बात है। हमारा जो टीचर है, जो हमारा कोच है, उसने दूर से देख के हेलो हेलो करना शुरू कर दिया। ये वाला है बाइक पे जो बैठे हुए हैं, वो भी खड़े हुए हैं, वो ठंडा, बाकी तो बच्चे आए ही नहीं आज। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। इधर से प्यारे आ रहे हो, इधर ही रहना।
Later. हम लोग पहुंच चुके हैं जी अपने वापस अपने जहां से हम लोग गए थे वहीं पर पहुंच चुके हैं और रास्ते में ये आंटी ने काट दिया था आई डोंट नो व्हाट इज दिस। तो अभी बस जो है वो हम लोग मैं भी दोस्तों के साथ में लेके आई हूँ वापसी पे। तो अभी बस जो है वो यहां से हम लोग बस लेंगे और बस से फिर हम घर जाएंगे वापस। हम लोग को टाइम भी तकरीबन हो चुका है अफ्तारी का, तो जाते सारे ना बनाना कुछ भी नामुमकिन है, तो इसलिए हम यहाँ से जो खाना दाना बैठना खा के जाएंगे। ये नूडल्स ऐसे ही बनाते होते हैं मुस्लिम ना नूडल्स। चाचा जी बना रहे हैं नूडल्स। यहाँ पे चाइना में जितने भी मुस्लिम होते हैं ना उनकी जो निशानी होती है वो ये होती है कि उन्होंने टोपी पहनी होती है, और जो फीमेल्स होती हैं उन्होंने हिजाब किया होता है। और anyway, सारा लेट हम लोगों के जो है वो डम्पलिंग्स आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी हमने जो है इसमें डाल दिया है, बस टाइम हो चुका है खाने का माशाल्लाह। इसमें सॉस और स्पाइसेस वगैरह डाल के मिक्स करेंगे क्योंकि ये जो है फ्राइड राइस भी आ गए हैं, डम्पलिंग्स हो गई, बाकी ये सारा कुछ। हाँ इसमें डालना सॉस बस बहुत है। ये देखिए हमें जाते हुए क्या मिला, सरसों। वाओ चाइना में सरसों, वरना यहाँ पे तो मतलब साग वगैरह तो मिलते ही नहीं है ना। साग जैसे हमने खाया भी नहीं इस सीजन में, वो मिस तो बहुत किया हमने, लेकिन खाया नहीं। उन्होंने अफ्तारी वगैरह कर ली है, बस अब जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ।